तो गाइस स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का प्लॉट साइज है 30 फीट बाय 75 फीट का बिल्डर फ्लोर प्लान। टिपिकल फ्लोर है, उसके अंदर हम आपको देने वाले हैं 3 बेडरूम सेट। 3 बेडरूम रहेंगे, 2 टॉयलेट रहेंगे, एक आपका लिविंग स्पेस रहेगा, बैल्कनीज रहेंगी फ्रंट एंड रियर साइड की। सो आइए प्लान पर चलते हैं। सो 3.5 फीट की स्टेयरकेस है आपकी, इधर से आप अप चलेंगे। जो ट्रेड है वो 10 इंच का रहेगा, राइजर एज पर योर फ्लोर टू फ्लोर हाइट। आप 6 से 7 इंच तक का राइजर अपना जो है स्टेयरकेस में यूज़ कर सकते हैं। ये लिफ्ट है, 5 फुट बाय 5 फुट का लिफ्ट वेल रहेगा। आपकी जो 6 पैसेंजर लिफ्ट है वो आप इसके अंदर अकोमोडेट कर सकते हैं। यहाँ से आप आएंगे एंड ये आपके घर की मेन एंट्री रहेगी। एंट्री करेंगे आप अपने लिविंग स्पेस के अंदर दोस्तों। सो 17.5 फीट बाय 22 फीट का आपका लिविंग स्पेस है, जिसके अंदर आपको देखेंगे ये आपका एक सोफ़ा सिटिंग रहेगी, सामने आपकी टीवी यूनिट रहेगी। इधर कैपेसिटी की अगर आप बात करें तो इधर आपके पास 6 या 7 सीटर सोफ़ा आप यहाँ पर रख सकते हैं। नीचे डाइनिंग देखेंगे तो यहाँ पर आपकी क्रोकरी यूनिट रहेगी ये वाली, सामने आपकी डाइनिंग यूनिट है। 6 या 7 सीटर डाइनिंग आप यहाँ पर अकोमोडेट कर सकते हैं। सो ये गाइस ये आपका कॉमन बाथरूम है। कॉमनली आपको अगर इस बेडरूम से देखना हो या इस लिविंग स्पेस से, सो इस बाथरूम का हम यूज़ करेंगे। सो यहाँ से आप एंट्री करेंगे, 2.5 फीट का आपका दरवाज़ा रहेगा। एंट्री करेंगे 10.5 बाय 5 फुट का आपका एक कॉमन बाथरूम रहेगा। इस बाथरूम के अंदर आपको जो लेआउट है वो रहेगा इस तरीके से कि जैसे ही एंट्री करेंगे यहाँ पर आपका बेसिन रहेगा, 4 फीट वाइड आपका बेसिन रहेगा। वॉल हैंगिंग हमने WC दी है आपको। ग्लास पार्टीशन के बाद आपका ये बेडिंग स्पेस रहेगा। बेडिंग स्पेस में आपका वेंटिलेटर है जो कि शाफ्ट के थ्रू वेंटिलेट है। चारों फ्लोर्स का टॉयलेट। नीचे देखेंगे आपका पहला बेडरूम है दोस्तों। 19 फीट बाय 12 फीट का स्पेशियस आपका बेडरूम है। दरवाजे के पीछे आप पूरी लंबी आपके पास एक वार्डरोब है। सो 12 फीट की स्टोरेज है इस बेडरूम के अंदर। ये टीवी यूनिट है, यहाँ पर 4 फिट का आपका वर्क स्टेशन लगाया गया है। ये स्लाइडिंग विंडो रहेगी दोस्तों, इधर आप बेडिंग करेंगे। फ्रंट साइड में देखेंगे तो 6 फिट की विंडो है। आपके पास बैल्कनी रहेगी, स्लाइडिंग विंडो के थ्रू आप इस बैल्कनी को एक्सेस करेंगे। 14 फिट 6 इंच का हमने फ्रंट सेटबैक रखा है, उसके अंदर 6 फिट की वाइड आपकी बैल्कनी रहेगी। लेफ्ट साइड में देखेंगे क्रोकरी यूनिट के साथ में, तो यहाँ पर आपके पास आपको किचन मिलने वाली है। 9 फिट बाय 12 फिट की आपको किचन रहेगी मिलेगी। दोनों तरफ आपको स्लैब मिलेगी। इधर आपको ईस्ट फेसिंग कुकिंग करते हुए आप यहां पर गैस स्टोव रखेंगे। इधर रेफ्रिजरेटर है एंड ये आपका जो है सिंक रहेगा फॉर द गंदे बर्तन। नीचे देखेंगे तो ग्लास एक ओपनेबल हम डोर रखेंगे, साथ में एक वेंटिलेटर रखेंगे। सो 3 फिट का दरवाज़ा एंड बचा हुआ स्पेस हम जो है आपको एज ए वेंटिलेटर प्रोवाइड करेंगे, विंडो प्रोवाइड करेंगे फ्रंट की तरफ। सो गाइस पीछे चलेंगे, आपके 2 बेडरूम्स हैं। ये आपको पैसेज मिलेगा, कॉमन पैसेज है, 6 फिट बाय 3.5 फिट का कॉमन पैसेज रहेगा। इससे आप चलेंगे आपके सेकंड बेडरूम की तरफ। डायमेंशन आपको मिलेगी 11 फिट बाय 15 फिट की। 11 फिट में आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर स्टोरेज दी गई है। इधर आपका बेडिंग है, सामने आप यहाँ पर टीवी यूनिट दे सकते हैं, इधर आप अपना वर्क स्टेशन लगा सकते हैं दोस्तों। 3rd बेडरूम की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर 11 फीट बाय 15 फीट का आपको सेम बेडरूम का साइज़ हमने दिया है। इधर आपके पास आपकी वार्डरोब रहेगी, इधर टीवी आपकी बेडिंग है, सामने टीवी यूनिट है, इधर अटैच बाथरूम आपको मिलेगा। 5 फुट 9 इंच बाय 10.5 फीट का बाथरूम मिल रहा है आपको। सो यहाँ से एंट्री है, दरवाजे के सामने इधर पूरे ऊपर वॉश मशीन काउंटर रहेगा। दरवाजे के सामने इधर आपको WC मिलेगी एंड पीछे की तरफ आपका बेडिंग एरिया रहेगा जो कि वेंटिलेट रहेगा इस वेंटिलेटर के थ्रू। वेंटिलेटर का साइज़ आप देखें, 1.5 फीट बाय 3 फीट का हम रखेंगे। 1.5 फीट इसकी चौड़ाई है, 3 फीट इसकी लंबाई रहेगी। पीछे देखेंगे तो यहाँ पर दोनों तरफ आपको स्लाइडिंग विंडो दी गई है। 4.5 फुट की बैल्कनी आपको दी गई है। 9 फुट का सेटबैक है, सेटबैक का हाफ हमने एज एन बैल्कनी यूज़ किया है। हाफ एरिया फॉर द लाइट एंड वेंटिलेशन हमने इसको कटआउट रखा है ओपन टू स्काई के लिए। इसके बाद हम देखते हैं हमारा जो 3rd बेडरूम है उसके अंदर हमने एक बाथरूम दिया है। ये आपका एक ऑप्शनल बाथरूम है, एज़ पर बायलॉज ये अलाउबल नहीं है। सो अगर आपको एज़ पर साइट आपको कोई इशू नहीं है तो आप ये बाथरूम बना सकते हैं, अदरवाइज़ इसको एज एन यूटिलिटी एरिया भी आप यूज़ कर सकते हैं। 5 फुट बाय 8.5 फुट का हमने बाथरूम आपको दिया है अटैच। यहाँ से आप एंट्री करेंगे, ये वॉश मशीन है, ये आपकी WC है। पीछे आपका बाथरूम रहेगा, बेडिंग एरिया रहेगा जो कि वेंटिलेट होगा इस वेंटिलेटर के थ्रू। सो 30 फीट बाय 75 फीट के अंदर हमने आपको 3 BHK हाउस प्लान बनाकर दिखाया है। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं दोस्तों प्लान कैसा लगा, अच्छा लगा हो या आपको अपना कोई नक्शा बनवाना है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या हमें कॉन्टैक्ट करें। हमारी व्हाट्सएप डिटेल डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। सो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए गुड बाय।